वेरी गुड मॉर्निंग माई स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। COVID-19 की वजह से हम सभी घर पर है, पर याद रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं आपको 5th स्टैंडर्ड में हिंदी पढ़ाऊंगी और अभी जो परिस्थिति है उसमें हम वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर रहे हो, बहुत दिनों से घर पर हो, तो घर पर रहकर कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा नया नया सीखा होगा, और जब आप आओगे ना तो बहुत सारी बातें लेकर आने वाले हो, वो मुझे पता है। तो आज हम 5th स्टैंडर्ड में हिंदी की पढ़ाई शुरू करेंगे। हिंदी के लिए आपको तितली वाली टेक्स्ट बुक मिल गई होगी। ये तितली टेक्स्ट बुक है, इसी के अंदर हमारा 1st और 2nd टर्म दोनों टर्म इंक्लूड है। हिंदी के लिए आपको 200 पेज की एक नोटबुक भी बनानी है, और चाहे वो नोटबुक हो चाहे वो फुल स्केप हो, उसमें आप लिखना शुरू करेंगे। तो आज हम हिंदी की पढ़ाई शुरू करेंगे। हिंदी का पार्ट पहला वाला है वो हम पढ़ेंगे। हिंदी का पहला वाला पार्ट हम आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है यातायात चित्र पाठ। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि ये चित्र पाठ का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी वर्णन नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कोई पंक्ति नहीं है, है ना, सिर्फ और सिर्फ चित्र है। तो चित्र के द्वारा हमको पढ़ना है और समझना है, इसीलिए ये चित्र पाठ है। और चित्र के अंदर हमको दो दृश्य दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो हम देखें पाठ का टाइटल यातायात। यातायात का अर्थ क्या है, यातायात का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको पहले समझाती हूँ। तो यातायात जो है उसका अर्थ होता है आना जाना, परिवहन, आवागमन। इसमें कहीं पर भी आना जाना होता है। हमारे हर रोज के जीवन में हम कहीं पर भी आते जाते रहते, घर से बाहर निकले, काम के लिए निकले, बैंक के लिए गए, ऑफिस के लिए गए, स्कूल के लिए, तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं आते जाते रहते। तो ये जो आने जाने की प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं यातायात। और ये आने जाने की प्रक्रिया के लिए हम लोग बहुत सारे वाहनों का, साधनों का उपयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये साधन और वाहनों का उपयोग करते हैं उसको हम यातायात के साधन के रूप में जानेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रक्रिया, जिसके अंदर हम वाहनों का और साधनों का उपयोग करते हैं, और जिसको हम यातायात के साधनों के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एक आपको एक सिंपल उदाहरण दूँ, जैसे मुझे मेरे घर से ऑफिस के लिए जाना है तो मैं स्कूटर लेकर जाऊँगी, और आपके पापा को काम पर जाना है, कहीं बाहर जाना है, ऑफिस जाना है, तो अपना मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे, अपना स्कूटर लेकर जाएंगे। आपकी मम्मा को सब्जी लेने जाना है, वो अपना स्कूटी लेकर जाएगी। आपको स्कूल आना है तो आप वैन में बैठ कर आते हो। तो इस प्रकार हर रोज हम बहुत सारे वाहनों का, बहुत सारे साधनों का उपयोग करते हैं, बस, कार, रिक्शा, टेम्पो, ट्रक। जैसे टेम्पो और ट्रक वगैरह होते हैं, उसमें वाहन जो वाहन है उसमें हम सामान भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे चलो मुझे बड़ौदा शहर के बाहर जाना है तो मैं क्या करूँगी, बड़ौदा शहर के बाहर जाने के लिए जैसे मुझे मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है तो मैं ट्रेन में बैठ कर जाऊँगी, या मैं बस में बैठ कर जाऊँगी, या मैं कार में बस बैठ कर जा सकती हूँ। चलिए मुझे भारत देश से बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो मैं प्लेन में बैठ कर जाऊँगी। तो इस तरह हर रोज हम कई साधनों का, वाहनों का उपयोग करते हैं। इसमें भी आप देखिए तो बहुत अलग अलग प्रकार के वाहन होते हैं। कुछ वाहन है जो सड़क पर चलते हैं, जैसे बस, रिक्शा, कार, टेम्पो। कुछ वाहन है जो पानी के अंदर जाते हैं, तो जिसके अंदर हम देख सके तो नौका, स्टीमर, जहाज वगैरह। और कुछ है जो हवा में उड़ते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर और विमान। उसी के अंदर भी हम देखें तो जो सड़क के ऊपर वाहन चलते हैं ना, तो वो वाहन में भी किसके 2 पहिए होते हैं, किसके 3 पहिए होते हैं, किसी के 4 पहिए होते हैं, किसी के 4 से अधिक। जैसे रेलगाड़ी को देखिए, 4 से अधिक पहिए हैं। कभी कभी ट्रेलर, ट्रैक्टर वगैरह होते हैं तो उसके भी 4 से अधिक पहिए होते हैं। आपकी साइकिल देखिए, स्कूटर देखिए, तो उसके 2 पहिए हैं।
रिक्शा को देखे तो उसके 3 पहिए हैं और बस के 4। तो आज हम यातायात क्या वो समझ गए हैं, यातायात यानि आना जाना, और आने जाने के लिए जिन साधन या वाहन का उपयोग करते उनको यातायात के साधन के रूप में जानते। तो पहला वाला हम चित्र जो है वो भी पढ़ेंगे। पहला वाला चित्र जो है ना उसमें 2 दृश्य दिखाई देते हैं। पहला वाला दृश्य देखिए, पहले वाले दृश्य के अंदर आप देखिए तो यहाँ ये सड़क है, सड़क के ऊपर एक कार जा रही है और एक स्कूटर जा रहा है। पास में यहाँ देखिए तो ये रेलगाड़ी जिसको हम ट्रेन कहते हैं, ट्रेन जा रही है। यहाँ पर ऊपर आप देखिए तो 2 है, एक हेलीकॉप्टर है दूसरा विमान। तो ये दोनों हवा में उड़ने वाले साधन है, ये हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन है, ये सड़क पर चलने वाले हैं। उसके बाद आप दूसरा चित्र देखिए, दूसरा चित्र है ये बगीचे का दृश्य है। आप भी बगीचे में जाते हो ना, बहुत ही सुंदर बगीचा होता है। तो बगीचे के अंदर तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, यहाँ ग्रीनरी है, लॉन है, ये गेट है, यहाँ बेंचेस है, कोई बैठा हुआ है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, और बगीचे के अंदर थोड़े फूल है। कौन कौन से फूल है वो हम देख रहे हैं। तो बगीचे के अंदर जो फूल खिलते हैं ना बहुत ही सुंदर सुंदर फूल होते हैं, और उसकी बात ही बिल्कुल निराली है। घर में भी कुछ पौधे के रूप में हम प्लांट्स लगा सकते हैं, लेकिन बगीचे में जाना और वहाँ बैठना बहुत ही अच्छा, एक मन को खुश करने वाला होता है वो। तो इस तरह से यहाँ देखिए ये पिक्चर के अंदर, तो यहाँ पहला वाला जो आप रेड कलर के देख रहे हो ना वो है गुड़हल, जिसको गुजराती में जासूद और इंग्लिश में उसको हिबिस्कस कहते हैं। ये दूसरा वाला आप देखिए, ये है सूर्यमुखी सनफ्लावर। फिर यहाँ पर आपको सदाफुली यानी बारहमासी दिखाई देती, उसका नाम बारहमासी क्यों है क्योंकि वो उसके पौधे के ऊपर हमेशा पूरे साल फ्लावर्स फूल जो है वो आते रहते। फिर यहाँ पर आप देखिए तो गेंदा, गेंदा जिसको हम गलगोटा कहते हैं और वो वर्षा ऋतु में आता है। बेला, चमेली, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर फूल दिखाई देते हैं। इसके सिवा भी हम बाग में जाते बाहर जाते हैं तो हमको नलिनी, सदाबहार, ऐसे कई प्रकार के नरगिस, चंपा, ऐसे कई प्रकार के फूल जो है वो देखने को मिलते हैं। कुछ फूल जो है हमें बाग बगीचे में देखने को मिलते हैं और कुछ हम घर में प्लांट्स के रूप में रख सकते हैं। अब आप पेज टर्न कर दीजिए और दूसरा वाला जो हमारा पेज नंबर 2 है, देखा ये भी चित्र का वर्णन है, ये चित्र पाठ है इसी के लिए इसमें चित्र है। ये चित्र के अंदर भी देखिए तो आपको कुछ यातायात के साधन दिखाई देते हैं। इसमें आपको 2 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नदी का दृश्य है, उसमें भी कुछ वाहन है, यहाँ पर भी कुछ है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो ये सड़क पर चलने वाले वाहन कह सकते हैं, जिसमें रिक्शा और दूसरा है बस। इसमें हम देखें तो रिक्शा के 3 पहिए, बस के 4 पहिए। और यह चित्र जो है उसमें आप देखिए पहली वाली नौका है, नौका का उपयोग भी सामान ले जाने लाने के लिए और यात्रियों को ले जाने के लिए एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचाने के रूप में भी किया जाता है। दूसरा है ये जहाज, ये स्टीमर जो बड़ा सा है, कभी कभी तो है ना ये 2, 3, 4 उससे भी ज़्यादा फ्लोरी का भी होता है, उसमें सामान भी ले लिया मतलब लाने जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यात्री भी जाते हैं, दोनों रूप से मदद होते। तो ये जो है यातायात के साधन है, दोनों प्रकार के हैं। तो विद्यार्थी मित्रों ये हमारा पाठ है, पाठ पर से हम प्रश्नों के उत्तर लिखने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर भी लिखेंगे। क्वेश्चन के आंसर मैंने सिर्फ यहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में देख के लिखने हैं, आपको नोटबुक बना देनी है और जब आप स्कूल आओगे ना तो आपकी नोटबुक चेक होने वाली है। पहला वाला प्रश्न है कि चित्र में देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो चित्र में दिखाए गए फूलों के नाम की सूची, गुलाब, गेंदा, गुड़हल, बेला, सूर्यमुखी, चमेली है। दूसरा प्रश्न है चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। चित्र में नहीं है
ऐसे फूलों की सूची, मैंने डैश डैश करके लिखा है, कमल, नलिनी, गुलबहार, नरगिस है। यदि आप इसके सिवा भी नाम जानते हो तो इसमें कोमा कोमा करके आप ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र में दिखने वाले यातायात के साधनों की सूची है रिक्शा, बस, नौका और जहाज। चित्र में नहीं है उन यातायात के साधनों की सूची, तो चित्र में नहीं है उन यातायात के साधन है विमान, कार, वैन, रेलगाड़ी यानी जिसको हम ट्रेन कहते हैं और ट्रक है। ये 4 क्वेश्चन आंसर हो गए। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है उसको आपको ऐसा ही टेबल के रूप में लिखना है, यहाँ तालिका 1 तालिका 2 यानी टेबल। तो आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। इसका टेबल बनाना है, टेबल बनाकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर 2 पहियों वाले स्कूटर, साइकिल और मोटरसाइकिल, 3 पहियों वाले रिक्शा, 4 पहियों वाले बस, कार, जीप और वैन, 4 से अधिक पहियों वाले ट्रक, टैंकर और रेलगाड़ी और भूमिगत रेलगाड़ी यानी मेट्रो ट्रेन जो होती है ना बच्चे लोग, वो टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, स्कूटर, बस, रिक्शा, कार। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, विमान, हेलीकॉप्टर। पानी में चलने वाले यातायात के साधन, नौका, जहाज, स्टीमर। ये हो गए हमारी एक्सरसाइज 5। अब हम एक्सरसाइज 6 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 6 जो है ना, इसके अंदर टिकट दी गई है। ये जो है ट्रेन की टिकट है और ये जो है वो बस की टिकट है। आप कहीं गए हो और आपके पास पुरानी टिकट पड़ी है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो एक काम कर सकते हो, आप ये पेज का जेरोक्स निकलवा दीजिए। जैसे मैंने जेरोक्स निकाल कर, मैंने भी नोटबुक बनाई है, हाँ देखिए यहाँ पर मैंने ये टिकट जो है ब्लैक एंड वाइट चिपकाई है। तो यदि हो सके तो आप जेरोक्स निकाल के कर सकते हो, रख सकते हो ऐसे चिपका के नीचे क्वेश्चन आंसर लिखना। ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसका ड्राइंग कर देना। तो ये जो है रेलवे की टिकट है, ये मुंबई सेंट्रल से लेकर अहमदाबाद तक की है और ये हड़त से लेके चिलोड़ा की है। तो इसके आधारित हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर पहला वाला प्रश्न है, यह क्या है? तो यह रेल और बस की टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हड़द से लेकर चिलोड़ा तक का, इंग्लिश में मैंने लिखा है तक का है। तीसरा वाला हमारा क्वेश्चन है, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद तक का है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? बस के टिकट में किराया 91 रुपये यानी 91 रुपीस लिखे है। रेलवे का किराया बताइए, तो रेलवे का किराया है 204 रुपये, 204 रुपीस। रेलवे का टिकट का दिनांक यानी डेट बताइए, रेलवे का टिकट का दिनांक है 11/11/2011। और क्वेश्चन नंबर 7 है, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेलवे के अलावा टिकट सिनेमाघर, पक्षीघर, म्यूजियम, विमानघर यानी एयरपोर्ट आदि जगह पर लगता है, काफ़ी जगह पर ऐसे लगता है। तो आप ये प्रश्नों के उत्तर अच्छे से, ये प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए। और दूसरे वाले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बी हैप्पी।